नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आज लेकर आया हूँ भगवान गौतम बुद्ध की एक और ज्ञानवर्धक व रोचक कहानी। कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल के द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूं। सुनो। एक फकीर था, वो जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी, वो पीतल को सोना बना देता था। लेकिन इस विद्या का प्रयोग वो तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वो भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि ये सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वो बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ, ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन? हो ना हो, ये राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर ये विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। ये सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा, जाओ उस फकीर को पकड़ कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी ही देर में फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, ये विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वो रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वो तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं,
तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमका कर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर लेकर आऊंगा जीवन से जुड़ी कोई और कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।